शासकीय शिक्षक की मिक्सचर से टकराकर हुई मौत, रस्सी से बांध कर ले जा रहा था लूटिंग चालक, रस्सी टूटने से हुआ हादसा। शहर के सिद्धेश्वर कॉलोनी में रहने वाले एक शासकीय शिक्षक की मिक्सचर से टकराकर मौत हो गई है। बता दें कि लोडिंग वाहन चालक रस्सी से बांध कर मिक्सचर को ले जा रहा था, इसी दौरान रस्सी टूटने से यह हादसा घटित हो गया है। जानकारी के अनुसार सौरभ चतुर्वेदी निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी थाना फिजिकल ने बताया कि मेरे पिता महेंद्र सिंह चतुर्वेदी उम्र 61 साल रोज की तरह पोहरी में मचा देवरी माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान जब वह गुरुवार की शाम 5 बजे पोहरी शिवपुरी मार्ग पर ग्राम ठर्रा के पास भूसा फैक्ट्री पहुंचे, तभी आगे लोडिंग वाहन चालक रस्सी से बांध कर मिक्सर ले जा रहा था। इस दौरान रस्सी टूटने से मिक्सर के चपेट में पिता की बाइक आ गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पीएम कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। भैया आपका? सौरभ चतुर्वेदी। कहाँ से हुआ? शिवपुरी से ही हूँ। थाना कौन सा लगता है? फिजिकल थाना लगता है। तो ये आपके पिताजी की कैसे क्या हुई? मेरे पिताजी रोज की तरह लौट रहे थे स्कूल से, एक लोडिंग वाहन था उसके पीछे वो सीमेंट वाला मिक्सर आरसीसी वाला रस्सी से बना हुआ था, तो वो जोर से चला के ले जा रहा था स्पीड में, रस्सी टूट गई तो वो पूरा जो मिक्सर है आरसीसी वाला वो इनके ऊपर आके पड़ा, काफी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो वो गाड़ी वाले पकड़े हो गए क्या? FIR करा दी है, पुलिस ने सहयोग किया है काफी, पकड़े तो अभी नहीं हुए हैं, कार्रवाई आगे क्या होगी इसकी जानकारी मुझे नहीं, FIR हमने करा दी है पुलिस ने। आपके पिताजी का क्या नाम? महेंद्र चतुर्वेदी। कितनी उम्र होगी उनकी? 61 एज थी। पोहरी के पास में एक गांव है मचा देवरी, वहाँ पे वो माध्यमिक शिक्षक के रूप में सदस्य। तो अभी ये कहाँ जा रहे थे? वापस लौट के घर आ रहे थे। कब? कल। कल शाम को 4:45 से 5 के बीच लौटते टाइम। लौटते समय।